आप अपना नाम बताइए। मैं रामेश्वर चौधरी, जिला अध्यक्ष बसपा कानपुर। आपके यहाँ मेयर के टिकट के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया? अभी तक लगभग 5 लोगों ने आवेदन कर दिया है। उनके क्या क्या नाम है? आवेदकों में प्रमुख नाम सुनील कुशवाहा जी हैं, पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे मंडल के। अध्यक्ष जी कैमरे की तरफ देखते हैं, कैमरे तरफ देखिए। अध्यक्ष रामनंद निषाद जी हैं, जिनकी पत्नी ने पिछले बार महापौर का चुनाव लड़ा। इसके अलावा पूर्व में नगर अध्यक्ष रहे देवी तिवारी जी हैं, एक उद्योगपति भी है शेखर दुबे। इसके अलावा एक मुस्लिम समाज से एक और प्रत्याशी है, उनका भी मैं नाम पूरी तरह नहीं खोलना चाहूंगा। इस तरह से करीब 5 आवेदन अपने पास आए। नगर निकाय चुनाव देखते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां जोर शोर से चल रही है, सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वार्डों में मीटिंग चल रही है, हर वार्ड में मीटिंग लग रही है, बैठकों का जोर चालू है एकदम कस के। 2022 के विधानसभा चुनाव में जैसा कि आपको नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को भरपाई कैसे करना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में अंतर है, ये क्षेत्रीय चुनाव है, छोटे चुनाव है, इसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, टिकट मिलती है उसको, उसको उत्साह बढ़ता है और उसका अपना जो उसने क्षेत्र में काम किया है उसके परिणाम स्वरूप उसे जीत भी मिलती है और हमारे संगठन के जो लोग हैं पूरी ताकत से काम कर रहे हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए ये सेमीफाइनल माना जाए? सेमीफाइनल तो है ही, चुनाव तो सब कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आते हैं और अगर ये चुनाव अच्छा रहा तो निश्चित है कि आगे भी हमारा उत्साह बढ़ेगा। जो बसपा के लिए मेयर पद के लिए संभावित प्रत्याशी 5 लोगों ने आवेदन किया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश कानपुर नगर निगम का भी चुनाव होना है और उन 5 लोगों में मैंने भी नगर निगम में महापौर पद हेतु आवेदन किया हुआ है। मैं बहुजन समाज पार्टी में सन 1992 से छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी में 1992 में शामिल हुआ था। उसके बाद मैं उसमें वार्ड कमेटी हुआ करती थी, कुछ दिन मैं वार्ड कमेटी में रहा, उसके बाद मैं सेक्टर में बूथ में रहा। इसके बाद मैं जब पहली सरकार बनी तो उसमें विधानसभा सचिव बना और इसके बाद लगातार मैं विधानसभा सचिव के रूप में कल्याणपुर विधानसभा कानपुर नगर में मैंने काम किया। इसके बाद मैं जिला प्रभारी कानपुर नगर के रूप में काम किया, जिला महासचिव कानपुर नगर के रूप में काम किया। इसके बाद मैं भाईचारा का मंडल का संयोजक कुछ दिन रहा। इसके बाद मैं पिछले नगर निगम चुनाव के बाद जब महानगर कमेटी भंग की गई तो मैं कानपुर महानगर का अध्यक्ष माननीय बहन जी ने बनाया। उसके बाद लगातार मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन में काम करता रहा, मैं कानपुर जोन इंचार्ज भी रहा, मैं कानपुर का सेक्टर प्रभारी भी रहा, मैंने बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सन 1992 से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ। लगभग 30 वर्ष मुझे बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हो गए हैं।